हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम त्रिपुरा। आज है day 3 इन त्रिपुरा। आज मैं दो जगह जाने की कोशिश करूंगा। एक तो है नीरमहल, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इन त्रिपुरा है। नीरमहल बेसिकली वाटर पैलेस है। वाटर के ऊपर रुद्रसागर लेक के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पैलेस बना हुआ है और वो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो देखने के लिए। नीरमहल जाने के लिए मुझे यहाँ से बस पकड़ के मेलाघर जाना पड़ेगा और वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा लेक तक जाने के लिए, और लेक पहुँचने के बाद लेक के अंदर जाने के लिए एक बोट मिलेगा, बोट राइड करना पड़ेगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और अगर नीरमहल देखने के बाद टाइम बचा तो फिर मैं नीरमहल ख़त्म करने के बाद रास्ते में एक सिपाही चला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके पड़ता है, जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जू वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है, तो वो देखना है का ट्राई करूँगा अगर मेरे पास टाइम रहता है तो। और वो देखने के बाद मुझे, क्योंकि अगरतला आना है, और अगरतला आने के बाद मुझे त्रिपुरा टूरिज्म का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके ईडन टूरिस्ट लॉज बुक करना है और वो 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रायोरिटी थोड़ा लो रख रहा हूँ मैं, क्योंकि नीरमहल जो है वो मेन अट्रैक्शन है। अगर टाइम मिलता है तो सिपाहीजोला कर लूँगा, नहीं तो उसको स्किप करके आ जाऊँगा, क्योंकि जम्पुई हिल में ईडन टूरिस्ट लॉज जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसका बुकिंग करने के लिए मुझे अगरतला त्रिपुरा टूरिज्म के ऑफिस जाना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8। अभी मैं नीचे जाऊंगा, होटल में ब्रेकफास्ट करूंगा और उसके बाद फिर एक ऑटो पकड़ के जाऊंगा नागरजोला बस टर्मिनल, जहाँ पे कल गया था वही सेम जगह से मुझे मेलाघर का बस मिल जाएगा होपफुली। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। मैं मेलाघर जाने वाली गाड़ी में बैठ चुका हूँ, तो आज बस नहीं मिला, ये छोटा सा गाड़ी है ऐसा है। तो गाइज, मेलाघर पहुँचने के बाद 1 किलोमीटर चल के मैं बोट के सामने आ गया और वो मुझे दिख रहा है नीरमहल यहाँ से। आगे बोट है, बोट में बैठ के जाऊँगा और ये लोग लेके जाएंगे और वहाँ पे 40 मिनट वेट करेंगे, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मुझे वापस लेके आएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे पूरे बोट का भाड़ा भरना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, तो मुझे पूरा 350 रुपये देना पड़ा। तो ये छोटा वाला बोट है, इसमें मैं अकेला जाऊँगा। मैं बोट में बैठ चुका हूँ और ये वाला बोट है छोटा सा, ऐसे यहाँ पे खड़ा है ना बड़ा वाला, मेरा वाला छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं। अभी कोई टूरिस्ट नहीं है इसीलिए पूरे बोट में मैं अकेला ही हूँ और पूरे बोट का ही भाड़ा पे किया मैंने। और सामने नीरमहल दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में शायद ठीक से कैप्चर नहीं हो रहा होगा। वैसे एक चीज़ अच्छा लगा कि इन लोगों के पास लाइव जैकेट भी है, तो ये लोग पूरे सेफ्टी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। पहुंच चुका हूँ नीरमहल और अभी ये जेटी से जा रहा हूँ मैं। मेरे सामने ही पैलेस है, बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है। एक्चुअली ये इंडिया का दूसरा ही वाटर पैलेस है, राजस्थान में जैसे जलमहल है और ये नीरमहल है त्रिपुरा में, बट ये बहुत बड़ा है जलमहल के कंपैरिजन में। बेसिकली नीरमहल भी फॉर्मर रॉयल पैलेस ही था, और जैसे आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो रॉयल राजाओं के टाइम पे कैश किस चीज़ के लिए यूज़ होता था वैसे लिखा हुआ है। ऐसे ये रूम एम्यूजमेंट रूम था, जैसे एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए यूज़ होता था। और ये वाला जो है ये डांस रूम है, और यहाँ से रुद्रसागर लेक का काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला रूम था राजा का बेडरूम था, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट रूम और डांस रूम के बगल में ही राजा का बेडरूम था। और यहाँ पे लिखा है कि मतलब ज़्यादा एंटरटेनमेंट होने के बाद जब राजा बोर हो जाते थे या फिर टायर्ड हो जाते थे तो यहाँ पर रेस्ट करते थे, इसीलिए बेडरूम को बगल में ही बनाया गया। और ये राजा का बाथरूम था, इतना बड़ा बाथरूम।
और राजा के बेडरूम से रुद्रसागर लेक का काफी अच्छा व्यू है। एक्चुअली ये प्लेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा कि बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं है। जैसे राजस्थान में पहले से इसको कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन है उतना ही सुंदर। ये था ट्रेजरी रूम, और ट्रेजरी रूम से निकलने के बाद अगर मैं गार्डन के थ्रू बाएं तरफ जाऊं तो यहाँ पे गार्डन तो बहुत ही सुंदर है, और गार्डन के इस तरफ लिखा हुआ है थिएटर स्टेज था। निर्मल का हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो इसका कंस्ट्रक्शन करवाए थे महाराज वीर विक्रम किसर माणिक्य देव वर्मा ने। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1930 में और ख़त्म हुआ था 1938 में, तो 8 साल लगा था इसको बनने में। जैसे कि मैंने बताया था, इंडिया में ऐसे दो ही वाटर पैलेस है, एक तो राजस्थान में जल महल है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरा ये है निर्मल। निर्मल त्रिपुरा में है, मेलाघर के पास है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, और इतना वेल मेंटेन भी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और एक चीज़ है कि जो जल महल है वो काफ़ी छोटा है इसके कंपेरिजन में, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेयर है और मैं इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। यस, मैं ऊपर पहुंच गया वो छोटा सा स्टेयर लेके, और ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू है रुद्रसागर लेक का। ऐसे मेरे पास सिर्फ 40 मिनट है, क्योंकि बोट वाला सिर्फ 40 मिनट ही वेट करेगा मेरे लिए पूरा पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए, बट ये बहुत बड़ा है, तो मैं फटाफट जाता हूँ दूसरे साइड पे। मैं सिर्फ एक ही साइड देख पाया अभी तक। एक चीज़ तो है, राजस्थान के पैलेसेस में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगा आप लोगों को, बहुत सारे क्राउड मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खाली है, एकदम शांति है। यह है अनएक्सप्लोर्ड त्रिपुरा। अभी मैं पैलेस के दूसरे तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं नीचे चला गया था, पहले लगा था कि नीचे से रास्ता है, लेकिन फिर किसी ने बताया कि नीचे से बंद है, आपको ऊपर से ही जाना पड़ेगा। देखिए किसी ने यहाँ पे भी अपना प्यार का इजहार किया हुआ है, मतलब लोग मोनूमेंट्स को क्यों नहीं छोड़ते यार। मैं निर्मल से बाहर निकल रहा हूँ, लगभग आधा घंटा एक्सप्लोर किया, अभी बोट में बैठ के वापस जेटी तक जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर का वॉक, और 1 किलोमीटर वॉक करके मेला घर पहुँच जाऊँगा, और मेला घर पहुँचने के बाद फिर वहाँ से देखता हूँ बस मिलेगा। सोच रहा हूँ कि अभी सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख के ही आ जाओ, क्योंकि अभी सिर्फ 11:30 ही बजे है और मुझे 4 बजे तक अगरतला पहुँचना है, तो देखता हूँ जैसा टाइम जाता है, बस वगैरह मिलता है तो फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। ये है रुद्रसागर लेक। मैं सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट के सामने उतर गया। ये हाईवे है, यहाँ पे उतरा मैं। ये एक्चुअली अगरतला जाने वाली हाईवे पे ही पड़ता है,
और मेरे पीछे इसका गेट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने का गेट है। तो मैं जाके देखता हूँ टिकट का क्या सीन है। 10-20 रुपए का होगा टिकट, पता नहीं कितने का होगा। फिर वहाँ से एंट्री लेके फिर देखता हूँ। अंदर जू और फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है अंदर। जूलॉजिकल गार्डन है उसके अंदर मैं एंट्री ले चुका हूँ। एक्चुअली मेन गेट पे एंट्री फी के लिए 20 रुपये दिया और कैमरा के लिए भी 20 रुपये दिया। उसके बाद एक ऑटो करना पड़ा क्योंकि मेन गेट से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप आ सकते हो, नहीं तो फिर ऑटो बुक करना पड़ेगा। ऑटो अप डाउन के लिए 250 रुपये लिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे गेट पे आने के लिए 20-40 रुपये पे करना पड़ा, 20 रुपये कैमरा का और 20 रुपये मेरा। अभी अंदर हूँ और कुछ कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पे तो देखता हूँ एक्सप्लोर करके। पूरा जू एरिया एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अभी ऑनेस्ट रिव्यू, बेटर स्किप इट। मेरे हिसाब से यहाँ पे आने का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि ये नेशनल पार्क है लेकिन यहाँ पे सफारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जैसे दूसरे नेशनल पार्क्स में रहता है। और देखने के लिए बस एक जू है जहाँ पे एनिमल्स बहुत ही कम है, बहुत कम एनिमल्स है, 2-4 एनिमल्स है और वो भी वेल मेंटेन्ड बिल्कुल नहीं है। तो बेटर है कि इसको अवॉइड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आने के लिए पहले आपको एंट्री फ़ी देना पड़ता है गेट में, उसके बाद फिर ज़ू का अलग से एंट्री देना पड़ता है। और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो फिर आपको कोई गाड़ी या ऑटो हायर करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने लायक। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये प्लेस चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे उतना कुछ है नहीं और इसको आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं और एक पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी एनिमल्स को जू में रखने को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये ज़ूज़ रेस्क्यू सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर के हिसाब से भी काम करता है या फिर किसी एनिमल को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है तो उसमें भी ये ज़ूज़ वगैरह काम करते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में ही सबसे अच्छे लगते हैं और उनको वहीं पे रहने देना चाहिए। मैं यहाँ पे आया था एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे मैं एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में देखूँगा, कुछ सफारी टाइप का कुछ होगा। बट उसके बाद पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली ज़ू है तो मुझे लगा कि मैं ज़ू ही देख लेता हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला था कभी कभी ज़ू में भी अच्छा काम होता है, एनिमल वेलफेयर वगैरह होता है और एनिमल्स का देखभाल किया जाता है। बट यहाँ पे आके देखा कि सच में यहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है बट ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। तो त्रिपुरा में 2-3 दिन रह के मैं एक चीज़ देखा कि त्रिपुरा में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेंटेनेंस किसी भी चीज़ का उतना है नहीं और ये लोग उतना प्रमोट भी नहीं करते टूरिज़्म को, तो इसीलिए शायद त्रिपुरा उतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नहीं। आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि मैं अभी पूरा त्रिपुरा एक्सप्लोर नहीं किया, बस 2-3 दिन ही हुआ है मुझे और मुझे इसके बाद जोम्पू हिल भी जाना है और उसके बाद ऊनकोटी भी जाना है। तो हो सकता है कि वो सब प्लेसेस बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हो और मैं अपना ओपिनियन चेंज करने पे मजबूर हो जाऊँ, लेकिन अभी तक तो इतना ही मैं नोटिस किया कि टूरिज़्म पे ये स्टेट ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। इसके बाद यहाँ से अगरतला जाके मुझे त्रिपुरा टूरिज़्म के ऑफिस जाना है क्योंकि मैं जोम्पुई हिल जाने वाला हूँ। तो और जोम्पुई हिल में एक ईडन टूरिस्ट लॉज करके गवर्नमेंट लॉज है, टूरिस्ट लॉज है, तो उसका बुकिंग मैं करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को कॉल किया था तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारे त्रिपुरा अगरतला ऑफिस में आके बुकिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, चाओ, अस्ता लुएगो।